कैसे हो बेटा? ठीक हो? खैरियत से हो? कैसी तैयारी जा रही है? एग्जाम सर पे है और माशाल्लाह मैं बैठा रिपोर्ट देख रहा था, वहाँ पर काफ़ी बच्चे डॉक्टर्स जो बने हैं यहाँ से अलीगढ़ कॉलेज से, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ देख के। और आप लोगों के लिए जितनी सर ने यहाँ पर एफर्ट की है और जो माशाल्लाह उन्होंने आप लोगों के लिए ये सहूलतें यहाँ आपके डोर स्टेप पे दी है, मेरे ख्याल में ये अपनी मिसाल आप हैं और मैं इसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ सर को कि जिन्होंने इतनी एफर्ट्स की आप लोगों के लिए और एक अच्छा माशाल्लाह यहाँ पर आपको इन्वायरमेंट दिया। तो मैं चाहूँगा सर के लिए क्लैपिंग करूँ। अब मैं यहाँ आने का मकसद है कि बेटा मैं यहाँ नहीं जाता था फील्ड में, मैं जस्ट यहाँ करोड़ पक्के में सिर्फ और सिर्फ सर के इन्विटेशन की वजह से यहाँ पर मैं आया हूँ ताकि मैं डायरेक्टली आप लोगों को बता सकूँ। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आप अच्छे मार्क्स में आप यहाँ मार्क्स में और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे मार्क्स लेंगे और यहाँ क्वालिफाई करेंगे आप अपने मेडिकल के लिए, आप डॉक्टर बनेंगे इंशाल्लाह। और अब मुश्किल नहीं है बेटा डॉक्टर बनना, जो यहाँ क्वालिफाई नहीं करता, हमारे यहाँ पिछले दो सालों से खिचड़ी सी बनी हुई है, कभी पीएमसी बन जाती है और कभी पीएमडीसी और कभी पीएमडीसी को तोड़ के पीएमसी बना दिया जाता है और यहाँ थोड़े से मसले मसाइल कारण पे भी चलते हैं, कोई कॉलेजेस बंद भी कर दिए जाते हैं जब बच्चे वहाँ एडमिशन लेते हैं, तो ये सिलसिला यहाँ चल रहा है। लेकिन अल्लाह करेगा कि आगे चंद सालों में ये सिस्टम ठीक हो जाएगा। लेकिन अब आपके पास अब वर्ल्ड जो है ग्लोबल विलेज बन चुकी है, आपके लिए मेडिकल करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप बगैर कोई एंट्री टेस्ट दिए आप MBBS के लिए एडमिशन ले सकते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी है किर्गिस्तान के अंदर, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 4000 स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ रहे हैं जिसमें 1600 गर्ल्स हैं और बाकी बॉयज़ हैं, इंडिया से भी हैं और पाकिस्तान से। मेरे ख्याल में पिछले साल जो यहाँ हमारे जनूबी पंजाब से ये आप छंग से लेके आप रहिंदा तक चले जाइए वाले जो बेल्ट है, यहाँ से कम अज़ कम जो हमारे पास स्टूडेंट एडमिशन इनके लिया है वो 2000 प्लस बच्चे हैं जिन्होंने वहाँ पर एडमिशन लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हमने ये फोकस किया है इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छी हो, फैकल्टी भी हमने पाकिस्तानी वहाँ पर रखी है, पाकिस्तानी डॉक्टर्स वहाँ पर पढ़ा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी में हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और उसमें अल्लाह का शुक्र है कि जो लोग कहते हैं कि वहाँ से बाहर से करते हैं तो आपकी यहाँ PMDC का एग्ज़ाम यहाँ आके देना होता है तो वो क्लियर नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट हमारे डॉक्टर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ PMDC क्लियर करते हैं। वो क्यों? कि वहाँ पर पढ़ते हैं, जो हम आपको वहाँ फैसिलिटीज़ जो मशीनरी जो बहुत एक्सपेंसिव है, मेडिकल की जो एजुकेशन है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन हमारे पास सीटें ज़्यादा होती हैं। पाकिस्तान में जो मेडिकल कॉलेज हैं उनके अंदर 80 से 100 सीट, इससे ज़्यादा सीट नहीं दी जाती, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 1500-2000 सीट्स होती है एक ईयर में, जिसकी वजह से हम बच्चों को बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट देते हैं और हर तरह के फैसिलिटेट करते हैं। तो आपका डॉक्टर बनने का ख्वाब बिल्कुल पूरा हो सकता है, कोई इकोनॉमिकल तबके से जो बच्चे प्लान करते हैं वो ये ना सोचें कि हम फीसें नहीं अफोर्ड कर सकेंगे, बिल्कुल इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल है हमारे पास, एक आसान सा प्रोसेस है। मैंने इस दफ़ा ये किया कि यहाँ सर को ऑथोराइज कर दिया, सर स्वयं सब यहाँ पर बैठे हैं तो आप अपना प्रोसेस यहाँ से भी करा सकते हैं, आप अपनी फीसें भी यहीं पे कर सकते हैं और यहीं से प्रोसेस कर सकते हैं। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी है, इन्फॉर्मेशन जो लेनी है वो आप कॉल करके, मेरा स्टाफ 24 आवर्स में पाकिस्तान के अंदर और वहाँ भी मेडिकल कॉलेज के अंदर भी आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद होगा और आप डिटेल भी ले सकते हैं। और बहुत ही आसान, यानी एक हमारे पास 6 ईयर और 5 ईयर 2 प्रोग्राम्स हैं, एक ही एजुकेशन है उसमें फर्क नहीं, उसमें थोड़ा फी कम हो जाती है 6 ईयर प्रोग्राम में, $1100 उसमें उसकी फी बनती है तकरीबन 1,80,000 रुपये जो सेमेस्टर की फी है। और हमारे पास जो स्टडी है वो सेमेस्टर वाइज है बेटा, वो सालाना ईयरली नहीं है, सेमेस्टर वाइज है। और वहाँ ये नहीं है कि
जैसे यहाँ किया जाता है कि फिर किसी पे ज्यादा भर्ती कर लेते हैं और फिर फेल करते रहते हैं और उनको सब्जियाँ लगवाते हैं, वहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। आप अल्हम्दुलिल्लाह सेमेस्टर वाइज आप पढ़ते हैं और पिछली दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 180 बच्चों ने स्कॉलरशिप ली, उन्होंने टॉप किया और 180 बच्चे जो जुनूबी पंजाब से बिलोंग करते हैं स्कॉलरशिप लिए। तो PMDC की हम फर्स्ट ईयर से ही तैयारी शुरू करवाते हैं, टोटल इंग्लिश मीडियम है, पाकिस्तानी टीचर वहाँ पर पढ़ाते हैं, हलाल फूड, वैसे भी वो मुस्लिम कंट्री है, फूड भी क्या कुक भी हमने यहीं से अरेंज किया है, एवरी टाइम का खाना भी हम वहीं पर प्रोवाइड करते हैं और आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। इसमें से किसी बच्चे का कोई अगर सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं और पूछा करें सवाल, क्योंकि अब आप इस बोर्ड पर हैं बेटा, आप फाइनल ईयर में आगे हैं, आगे अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ शुरू होनी है, तो यही आपकी जिंदगी का जो मोड है ना, यहीं से शुरू होता है। किसी का कोई क्वेश्चन बेटा, कोई भी सवाल किया करो, यानी यहाँ के लोग तो बड़े जीनियस होते हैं, बच्चे बड़े सवाल करते हैं, आप तो चुप करके बैठ गए। नहीं बेटा, हमारा जो फीस का होता है, फीस जो हमने आपको बताई है वही फीस का हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट साइन हो जाता है। पाकिस्तान में है 10% हर साल फीस बढ़ती है, हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है वही 5 साल आपकी फीस रहेगी, उससे $1 भी ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया? और एक इजी प्रोसेस है, कुछ भी ध्यान दे, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जस्ट दो डॉक्यूमेंट्स है आपके मैट्रिक और FSC का, उसे एडमिशन करवाना है फॉरन अफेयर से और आपके बोर्ड से है, वो एडमिशन करवाने के बाद आपका वीजा प्रोसेस, यही आपको यही हर चीज स्वयं सबके पास यहाँ मिल जाएगा, इधर ही आपको हर चीज यहाँ मिल, वीजा भी इसी किसी जगह मिल जाएगा आपको, हर चीज यही मिल जाएगी। हाँ, वीजा भी सीपी में हर चीज बेहतरीन आप पैकेज जो है वो दे देंगे यहाँ पर, सबसे कम हॉस्टल का बेटा हमने रखा हुआ है $100 है, $100 तकरीबन 15,000 रुपए बनते हैं महीने के मेस के खाने के, जो 3 टाइम आपको खाना मिलता है, और तकरीबन बनते हैं 45,000 रुपए 6 महीने का सेमेस्टर का आपका रेजिडेंस का, ये सबसे अपने कम से कम जो डिफेंस है ये रखा हुआ है। यहाँ पर MBBS जो है ये पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एडवांस बोले जाते हैं, बाकी पूरे वर्ल्ड में MD पढ़ाया जाता है, MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। यहाँ जब आते हैं तो आपको जब ये सर्टिफिकेट देते हैं पाकिस्तान में PMDC, तो वह MBBS इंग्लिश MD, यानी आपका MD जो है वो एक स्टेप MBBS से आगे है। अगर आप यहाँ पर करते हैं बिस्तर से तो आप सिंपल एक MBBS करेंगे और MD के लिए आपको 2 साल और लगाने पड़ते हैं, लेकिन वहाँ से जब आप करके आते हैं तो आपको MBBS MD के लिए यहाँ पर अवॉर्ड की जाती है, और वहाँ पर एक वर्ल्ड से यानी लोग होते हैं पढ़ने, हमारे पास इंडिया का बहुत स्टूडेंट है, दूसरे वहाँ के लोकल स्टूडेंट होते हैं, दूसरी जगह से स्टूडेंट होते हैं, एक तो आपके रिलेशन बहुत अच्छे बढ़ते हैं कि डॉक्टर्स के आपके वर्ल्ड में रिलेशन बनते हैं और एक अच्छी स्टडी आती है। ठीक है बेटा, और कुछ सवाल जी? मेडिकल के स्टूडेंट के पास टाइम ही नहीं होता, आपकी मेडिकल की जो स्टडी है वो इतनी टफ होती है कि आप रात 11 बजे 12 बजे जाकर मारे होते हैं पढ़ाई से, ठीक है, तो उसमें आप ये ना सोचें कि वहाँ जाके आप अर्न करेंगे या आप वहाँ कोई जॉब कर सकेंगे पार्ट टाइम, ये पॉसिबल नहीं है मेडिकल के स्टूडेंट में। अगर फिर जॉब करनी है तो फिर सारी जिंदगी वही जॉब ही करते रहेंगे, डॉक्टर वाला काम में जा रहे हैं। और बेटा और फिर हमने जो चंद सीटें हम रखते हैं जिसमें आप लम सम हर चीज उसमें मेस वगैरह और फीस वगैरह 5 साल की 6 साल की इकट्ठी पे कर सकते हैं, उसमें से आपको 10 से 15 लाख रुपए की बचत हो जाती है, वो भी पैकेज हम सिर्फ यहाँ करोड़पति के लिए सर को देंगे, वो आपको इंशाल्लाह।
ओवरऑल तकरीबन तकरीबन आपका वहाँ पर 40-1 लाख रुपए तकरीबन खर्च हो जाते हैं प्राइवेट में, जो यहाँ पर तकरीबन आपका 1.25 करोड़ प्लस खर्च होता है। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से बेहतर है। हमारे गवर्नमेंट के जो कॉलेज है वहाँ मेडिकल की स्टडी बहुत अच्छी है, जो हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वहाँ स्टडी नहीं है, ठीक है, उससे हमारी स्टडी वहाँ पर बहुत बेहतर है। और बेटा ठीक हो गया, ये डिटेल आपके पास है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहे इंफॉर्मेशन आपको ऑफिस से मिल जाएगी, बाकी जब आपको डील करना चाहे तो सर के पास आप आ